आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं एक टोस्टेड सैंडविच। ये चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये चीज चोरे भूख लागे तोरे आई बनावानू। इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे व्यूज। पारसीज लव टू थिंग्स, जो खाना बच जाता है हम उसे और भी टेस्टी कैसे बनाएंगे। Hello everyone, welcome to Delnaz ki duniya. Once again guys, back in my kitchen. आप लोग की फरमाइश, मुझे ये एहसास हो रहा है कि जब भी मैं नंदा के साथ वीडियोस बनाती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ, किचन में हूँ, खाने पीने की चीजें हम दिखाते हैं, तो आप लोगों को वो ब्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं। भाई इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे व्यूज। तो यार आई एम वंस अगेन किचन में मेरी नंदा के साथ, एंड व्हाट आर वी मेकिंग? वी आर गोइंग टू बी मेकिंग वन सिंपल नाश्ता दैट पारसीज मेक Either in the morning or in the evening or any time in the day. Chore bhook lage tore aai banavanu. Parsis love two things, their pav, that is bread, and eggs. Idu and pav, two things very 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 popular, and they like their eggs a lot. Ek bawa wahi hota hai jo koi bhi khane ke sath idu khata hai. Idu. तो आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं एक टोस्टेड सैंडविच, जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे। ये श्रेडेड चिकन है, कल का जो बच गया चिकन, बेसिकली जो खाना बच जाता है हम वेस्ट नहीं करना चाहते अपना खाना, तो हम उसे और भी टेस्टी कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है चिकन, अंडे का फंडा, अंडा जो हमें बहुत पसंद है। देन वी हैव आवर ब्रेड, द चानीतू एंड मानीतू पाव, लेकिन अभी पाव मेरे पास है नहीं। पाव होता तो पाव के साथ भी मैं आपको दिखा देती, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए ब्रेड। देयर इज बटर, देयर इज मेयो, देयर इज सिराचा सॉस एंड टमेटोज। इसका सैंडविच बनेगा आज, जो मैं परसी को नाश्ते में खिलाऊंगी। शाम का हमारा नाश्ता ये बच गए चिकन के साथ, उसके ऊपर अंडे के साथ, उसके ऊपर टमेटोज, उसके ऊपर हाईलाइट विल बी आर चीज ऑल्सो। तो आइए बनाते हैं सैंडविच। पहले हम अच्छी तरह से ये ब्रेड को टोस्ट करेंगे। मैं इसे ग्रिल भी कर सकती थी, लेकिन आज हम ग्रिल नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ टोस्ट सैंडविच खाएंगे। तो ये हो गया आपका ब्रेड, हल्का सा टोस्ट को हमने तवे पे ट्रांसफर कर दिया है। आई लाइक इट नाइस एंड ब्राउन। तो होने देते हैं, हम अपने फ्राइंग पैन में क्या बना रहे हैं। अभी हम अंडे को अच्छे से फ्राई करेंगे, फिलहाल अंडे को रेडी कर देंगे। एक्चुअली मुझे ब्लैक पेपर चाहिए था, नंदा बोल रही है ब्लैक पेपर नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, घर पे जो है इंग्रेडिएंट्स उससे ही काम चलाएंगे। A few moments later, the fried egg is ready। हमने उसको अल्टा पलटा और दोनों तरफ से कुक किया है एग को। दिस इज द वे आई लाइक इट, पर्सी लाइक्स इट। मैंने ऐसा कब कहा था? So nothing on the egg besides salt, thoda sa namak, and there is a lot of cheese. Ye cheez kya hai? Aap meri jaan lijiye, ye cheez. Kya performance, aap Mumbai aa rahe hain. And tomatoes. To ab toast ho chuke hai, nanda se kadak zala hai. Now thoda sa butter, kyunki isme sauce, mayonnaise, चीज सब जाने वाला है। ओके गाइस, सो वी रेडी विथ एवरीथिंग, ऑल द इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे टोस्ट पे बटर लग चुका है, तो एक साइड पे बटर लगा है और दूसरी साइड पे मैं ये सिराचा सॉस, विच इज नाइस एंड स्पाइसी। अरे बापरे, आई तो खुलतुश न थी, ये नया है, हमने खोला ही नहीं है। मत करो, रन लो। खुल जा सिमसिम। थोड़ा सा मेयोनीज गया इधर। देखो, जब आप लोगों को ऐसा लगे कि नाश्ता बहुत ही फैटी और नॉन हेल्दी हो रहा है, आई डोंट थिंक दिस इज नॉन हेल्दी एक्चुअली, दिस इज वन नाश्ता विच इज सुपर हेल्दी। यस, इट इज फिल्ड विथ मेयो एंड सॉसेस एंड बटर एंड एवरीथिंग, बट वंस इन अ व्हाइल जब आपको मन करे, जिंदगी है, जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।
खैर ये मैं नहीं खाने वाली हूँ, ये पर्सी खाने वाला है। पर्सी को जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए एंड इसलिए हम ये बना रहे हैं। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जब आपको मन करे ऐसी कोई चीज खाना तो दिस इज रियली अ गुड नाश्ता। चिकन डाल दिया इसमें, इसमें हमने श्रेडेड चीज डाल दिया भर के, पूरे अच्छे से भर के। नाउ आई विल ऑब्वियसली पुट माई एग ऑन टॉप, टमेटोज, और ये हो गया। I am going to make the other sandwich exactly the same way. Chicken, cheese, egg, tomato. कहने का मतलब ये है कि ये भरपूर हेल्दी है, टमेटोज डल चुके तो ये हेल्दी हो गया। एंड ये हमारा नाइस एग चीज चिकन सैंडविच इज रेडी। बहुत मेहनत की। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। This is the sandwich which is ready. Of course, this is something that I'm going to let Percy enjoy. Uska koi word nahi nikal raha hai. She's like, she's scared. Ke kaise bolu ke mast hai ki nahi hai. नॉर्मल है, छाने। थैंक यू नंदा। तो ये सैंडविच मेरे पर्सी के लिए शाम का नाश्ता। एंड अगर आपको भी ऐसे क्विक क्विक सैंडविचेस बनाने हो तो देखो जो बच गया हो खाना, भले वो चिकन हो या सब्जी हो, डजंट मैटर, यू नो व्हाट टू डू द नेक्स्ट डे एंड मेक अ डिलीशियस नाश्ता, इवनिंग नाश्ता फॉर योर फैमिली। तो इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जलनाज की दुनिया।